बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। वहीं जिसकी भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है वो नैतिकता के आधार पर अपने पद का त्याग किए हैं। ये पहले व्यक्ति है जो पढ़े लिखे IRS हैं। ये संविधान के खामियों से अपने को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संविधान ऐसे लोगों को कभी संरक्षित नहीं करेगा। ऐसे लोग अपने कर्म का फल भोगेंगे। ये लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी। नैतिकता के आधार पर जिसकी भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है वो अपने पद का त्याग किए हैं, और जो लोकतंत्र का सम्मान है उसको बढ़ाए हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति अपने को पढ़ा लिखा IRS विद्वान आदमी ये संविधान के खामियों से अपने को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संविधान ऐसे लोगों को कभी संरक्षित नहीं करेगा और ऐसे लोग अपने कर्म का फल भोगेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपने पाप का फल भोग रहे हैं। झूठा भरम का वातावरण बनाकर, झूठी वादा कर करके वो NGO चलाते थे ना, और NGO से विदेशी फंडिंग के माध्यम से अपने साम्राज्य को स्थापित करने में लगे थे। और आज उच्च स्तरीय जब इसकी जांच शुरू हुई है तो इनकी पैठ कितनी गहरी है भ्रष्टाचार में ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये लोगों को भरमाएंगे, बरगलाएंगे, सहानुभूति लूटने का प्रयास करेंगे।